आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की तरफ से आने वाली XUV700 के डायमेंशन के बारे में। काफ़ी बंदों की शिकायत थी कि भाई एक वीडियो बनाओ महिंद्रा XUV700 के डायमेंशन के बारे में। तो भाई आप देख सकते हो इस फोटोज़ और वीडियो में कि भाई जो महिंद्रा XUV700 फॉर्चूनर राइट साइड में खड़ी है, उसी से हम लोगों को पता चल जाता है कि भाई डायमेंशन वाइज कैसी कुछ आपको XUV700 मिलने वाली है। अगर हम इस गाड़ी के कॉम्पिटिटर की बात करें तो ये गाड़ी कॉम्पिटिट करती है टाटा हैरियर, टाटा सफारी जैसी गाड़ियों से। सबसे पहले बात करते हैं इसके लेंथ के बारे में, आपको 4695 mm की लेंथ देखने को मिल जाती है। दूसरी ओर अगर हम इसके विड्थ की बात करें तो आपको 1890 mm की विड्थ देखने को मिल जाती है। दूसरी ओर अगर हम इसका हाइट की बात करें तो आपको 1755 mm की हाइट देखने को मिल जाती है, जो कि लगभग फॉर्चूनर के बराबर होती है। वही बिल बेस आपको 2750 mm का देखने को मिल जाता है। भाई XUV700 में इतने इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स है भाई, पर एक चीज़ मिसिंग है जो कि इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट। भाई बस ये दे देना था इनको, जो कि फॉर्चूनर में आपको मिल जाता है, XUV700 में नहीं मिलता है। भले ही आप 40-50 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं, यहाँ तक कि आपको मेमोरी सीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। भाई काफ़ी लग्जरी इंटीरियर लगता है XUV700 का। तो ये थी इस वीडियो में XUV700 के डायमेंशन के बारे में। फॉर्चूनर भी खड़ी, जिससे कि आप अंदाजा लगा सको कि भाई एक्जैक्टली डायमेंशन वाइज किसी को जो आप समझ भी गाओगे। तो बस वीडियो के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखो फॉर्चूनर ऑफ रोडिंग ही किएंगे, पर एक एग्जाम्पल देने के लिए फॉर्चूनर XUV700 खड़ा करना जरूरी था, जैसे कि आपको अंदाजा लग जाएगा भाई XUV700 फॉर्चूनर का डायमेंशन लगभग 21-20 का फर्क है, तो आपको पता लग गया होगा।